वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर रिक्रूटमेंट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भर्ती। रिक्रूटमेंट का ये हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो रिक्रूटमेंट की जरूरत, भर्ती की जरूरत होती क्यों है? सिंपल सी बात है, जब हमको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको ये पता लगता है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तब हमारी रिक्रूटमेंट की भर्ती की प्रोसेस शुरू हो जाती है। हमारा रिक्रूटमेंट का काम वहां से शुरू हो जाता है, जैसे ही हमको पता लगता है कि वहां पर कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमको सारी जगह से रिक्वायरमेंट का पता लग जाता है कि हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट चाहिए। इसलिए हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, आकर्षित करना होता है हमारी फर्म के लिए कि वो मैक्सिमम एप्लीकेशन हमारी तरफ भेजें, ताकि उसमें से हम कुछ लोगों का सिलेक्शन कर सकें। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? मेकिंग अवेलेबल पर्सन्स टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट। जो भी खाली जगह है, जो भी खाली पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनके ऊपर मेरे को पर्सन्स को अवेलेबल कराना है। रिक्रूटमेंट भर्ती रियलिटी में एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं फर्म की ओर एप्लीकेशन भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सिर्फ 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, नौकरियां मेरे पास मान लो 200 हैं, मैं लोगों को इनवाइट करूंगा, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए नौकरी लगने के लिए। तो हो सकता है 2,000 लोग फॉर्म भर दें, हो सकता है कि 5,000 लोग फॉर्म भर दें नौकरी पाने के लिए, पर मेरे को सिलेक्शन तो फिर भी कितने लोगों का करना है? सिर्फ 200 लोगों का ही करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 200 सीट्स वैकेंट हैं। इसलिए रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फर्म की ओर, ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो एप्लीकेशन भेजें। अब हम इस टॉपिक के अंदर ये देखते हैं कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, क्या प्रक्रिया है, क्या स्टेप है रिक्रूटमेंट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। हमको जैसे ही पता लगता है कि ह्यूमन मैन पावर की रिक्वायरमेंट चल रही है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो हम सारे डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं कि आप हमको ये बताओ कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी हेड होते हैं, इनके सबके जितने भी पार्टिकुलर हेड हैं, वो हेड अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं पर्सोनल मैनेजर को। पर्सोनल मैनेजर कौन होता है? जिसने भर्ती का काम करना है, जिसने लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है, जो लोगों का सिलेक्शन करेगा, जो लोगों की ट्रेनिंग देगा, तो वो पर्सोनल मैनेजमेंट को अपनी एक लिस्ट बनाकर दे देते हैं कि हमको इस डिपार्टमेंट में इतना इतना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एम्प्लॉइज मैन पावर हमको कितना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट का नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितने नंबर्स में, 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको फर्स्ट स्टेप के ऊपर ये पता करना होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या इंजीनियर चाहिए, क्या अकाउंटेंट चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए। ये सारी बातें हमको पहले स्टेप के ऊपर पता लग जाती हैं। ये सारी बातें कौन बताएगा? ये डिपार्टमेंट के वाले ही लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हमको बता देते हैं। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। अब हम ये पता लगाएंगे कि जो उन्होंने डिमांड की है अपॉइंट करने के लिए लोगों की, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो लोग अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो पर्सोनल मैनेजर क्या करेगा, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये चेक करेगा कि मैं अपॉइंटमेंट कहाँ से कर सकता हूँ। क्या मैं फर्म के अंदर ही लोगों को प्रमोशन देकर, ट्रांसफर देकर, ऐसे ही लोगों को मैं नौकरी पे ये भर्ती कर सकता हूँ, या बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज से कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेकर नौकरी पे रखूं, या न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकालूं कि हमारी कंपनी के अंदर इतने इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है।
तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हम सोर्सेज ढूंढते हैं कि जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो लोग कौन से सोर्स से आ सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से। ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका अभी ये टॉपिक आने वाला है तब आप उसको समझ पाएंगे कि रिक्रूटमेंट करने के, भर्ती करने के आंतरिक स्रोत क्या होते हैं और बाहरी स्रोत क्या होते हैं। मतलब सेकंड स्टेप के अंदर जो पर्सोनल मैनेजर होता है वो ये देखता है कि हमने जो लोगों की भर्ती करनी है, हमने जिन लोगों को नौकरी पे रखना है, उन लोगों को मैं कहाँ से लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद इनविटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल, जैसे ही हमको पता लग जाता है कि क्या सोर्स होंगे लोगों को रिक्रूट करने के, तो अब हम क्या करेंगे, उन लोगों को, इंटरेस्टेड पीपल को हम क्या करने वाले, इनविटेशन भेजने वाले हैं। इनविटेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट इनविटेशन होता है कि आप हमारी कंपनी के अंदर एक फॉर्म भर के भेजो, नौकरी पाने के लिए एप्लीकेशन लगाकर भेजो। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनविटेशन भेजते हैं, पर भेजना उन्हीं लोगों को है जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसके लिए हम कॉलेजेस से, स्कूल से, गवर्नमेंट से, ट्रेड यूनियन से, न्यूज़पेपर से, तो सभी सोर्सेस को हम कॉन्टेक्ट करते हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट किया जाता है फॉर्म की ओर, अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो लोग एप्लीकेशन भरें, नौकरी के लिए अप्लाई करें। चौथे स्टेप के ऊपर क्या है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। अब हमने लोगों को इनवाइट तो कर दिया, इनवाइट हो गए, अभी लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भरकर हमारी कंपनी में, फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में कह लीजिए, एप्लीकेशन भरकर भेज देते हैं। मैक्सिमम लोगों की हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने लिखा होता है ऑलरेडी, जब मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ इनविटेशन के टाइम पे, मैं उन लोगों को बता देता हूँ मेरे को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी पोस्ट खाली है, कितनी पोस्ट खाली है, इंजीनियर की पोस्ट खाली है, अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, जब मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ ये सारी बातें बता देता हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर के भेजते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा उतरते हैं, मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट मांगी थी उसको वो फुलफिल करते हैं। मतलब हमारे पास दो टाइप की एप्लीकेशंस आएंगी, पहली वो एप्लीकेशन जो हमारी क्वालिफिकेशन, जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमने डिमांड की थी, वो पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगी। और कुछ फॉर्म, कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आएंगी जिनके अंदर पूरी की पूरी डिटेल या तो भरी नहीं होती है, या जो क्वालिफिकेशन हमने मांगी थी उन क्वालिफिकेशन के अंदर वो लोग फिट ही नहीं बैठते हैं। तो हम कुछ एप्लीकेशन को तो फिर क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो क्वालिफिकेशन भरी नहीं है। हमको मान लो इंजीनियर की पोस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए था, बट उस पर्सन ने मान लो क्या फॉर्म भर के भेज दिया कि अकाउंटेंट की नौकरी चाहिए, हमको तो अकाउंटेंट की नौकरी देनी नहीं है किसी को। तो हम इस प्रकार के फॉर्म को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक लिस्ट बना लेते हैं उन फॉर्म्स की जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन हमने मांगी थी वो उस रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर रहे हैं, तो उसकी हम अलग से एक लिस्ट बना लेते हैं, ताकि उस लिस्ट में से ही मुझे कुछ लोगों का सिलेक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1,000 फॉर्म फिल कर कर आए, कितने फॉर्म आए मेरे पास, 1,000, जिसमें से 700 लोगों ने तो सही इंफॉर्मेशन भरी और 300 लोगों ने इंफॉर्मेशन गलत भरी, 300 लोगों ने क्वालिफाइड ही नहीं किया, तो उसको मैं यहां पर कट कर दूंगा। 700 लोगों की लिस्ट मैं अलग से रेडी कर लूंगा, इसमें से ही मुझे कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है और कुछ लोगों को फिर भी मैं भी रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये होती है हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। कहां से शुरू हुई, मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता लगाओगे, सोर्सेज का पता लगाओगे, कौन कौन से सोर्सेज से आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को ला सकते हो, सोर्सेज का पता लग गया, जिस सोर्स का आपने पता किया है लोगों को इनविटेशन भेज दो। इनविटेशन भेजने के टाइम पर आप अपनी अपनी सारी बात लिख दो, मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, इस डिपार्टमेंट में चाहिए, कितने लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी बातें आपने लिख दी, लोग आपको फॉर्म भरकर भेज देंगे। जो लोग आपकी क्वालिफिकेशन पे खरा उतरते हैं उसकी आप लिस्ट अलग से बना लेना, जो आपकी बातों के ऊपर खरा नहीं उतरते हैं उनके फॉर्म आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी रिक्रूटमेंट का टॉपिक, पहला मीनिंग क्या होता है, देन हमारी प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इंटरनल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब भर्ती
हम आंतरिक सोर्सेज से कैसे कर सकते हैं और बाह्य सोर्सेज से हम भर्ती कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।